5 जुलाई को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के लिए जहां ग्रहों की युति को जिम्मेदार माना जा रहा है ज्योतिष नजरिए से, वहीं अब इस ग्रहण को लेकर लोगों के तरह की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो चुकी है। कारण ये है कि इस दौरान ग्रहों की युति हो रही है। ऐसे में ग्रहों की ये युति कोरोना संक्रमण को रोकने का काम कैसे करेगी या फिर को और ज्यादा फैलाएगी, इस बात को लेकर हर नागरिक चिंतित। इस संबंध में ज्योतिष क्या कहते हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण का असर कुछ इस प्रकार से होगा कि इससे कोरोना वायरस में आप लोगों को कोरोना वायरस के केसेस में आपको कमी देखने को मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण का सभी राशियों के जातक पर, उसके व्यापार पर असर पड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वहीं हिंदू आध्यात्म में इसे चंद्र का केतु द्वारा ग्रास किया माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रहण के पहले सूतक काल लग जाता है जिसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।